सतनाम धन वाहे गुरु साहिब जीओ कृपा करो दिन के दाते सन्मानयोग जुगो जुग अटल चवर शतर तखत दे मालक समुची मानवता दे सांझे रहवर आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी जिन्हां दी पावन ते पवित्र हजूरी अंदर जुड़ मिल बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनो आप जी वडभागी जन हो यादगार गुरुद्वारा रूड़ी साहब जी दे पावन पवित्र दवान हाल विखे हाजरियां भर के सतगुरु की अमृतमई बाणी के रस भीने कीर्तन आप जिया ने सरवण किते ने आओ कुछ कु समा सतगुरां वल्लों ते आप संगत वल्लों दसरे दी झोली पिया समय दे दायरे विच रह के कुछ कु समा आप जी दे नाल गुरमत विचारां दी सांझ पानी है सो विचार प्रारंभ करन तो पहला मना दियां सुरतियां बिरतियां एकागर चित करदे होए बड़े ही प्रेम अते प्यार दे नाल जपो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ। भाई साहब जी आप जिया नू शब्द सरवण करा के गए ने कि अंतर गुरिया रद नाम जिहवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पिख ना सरवणी सुना गुर नाओ सतगुर सेती रतिया दरगै पाईऐ ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनू ए वत दे जग मैं उत्तम काढ़ियै विरले के साहबा ने इन्हां पावन पवित्र बोलां दे अंदर सानू अपने कर्म इंद्रियां राही अते ज्ञान इंद्रियां राही उस अकाल पुरख वाहगुरु की प्रेमा भगती करन वास्ते हदायत कीती है क्योंकि
उस अकाल पुरख वाहगुरु ने साडे ते किरपा कीती है, सानू आ मनुखा जन्म जो कि बेशुमार कीमती है, जिन्हों साहबां ने बाणी विच कहा है, मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया, मन तन होए चुलंब जी सतगुर पाया, चले जन्म सवार वखर सच लै, पत पाए दरबार सतगुर शब्द पै। जेकर इज्जत दे नाल इस संसार तो जाना है ते गुरदेव पातशाह जी कहिंदे फिर हे जीव, गुरु दे शब्द दे चानण विच, गुरु दे शब्द दी रोशनी दे विच चलण दा यतन कर। गुरु दे शब्द नू अपने जीवन दा आधार बना, अपने अंतर आत्मे उस अकाल पुरख वाहगुरु दी सिफ तो सलाह जिहड़ी है वह करनी प्रारंभ कर दे। अंतर गुरे आराधना, अंतर आत्मे उस अकाल पुरख वाहगुरु दी याद जिहड़ी है वह तेरे बने। ते साहब जी कहिंदे फिर तेरे इन्हां नेत्रां दे राही गुरु दे दिदारे करन दी मन दे अंदर भावना बने, श्रद्धा बने, क्योंकि परमात्मा ने सानू ये नेत्र बख्शिश किए ने। साहब जी कहिंदे नेत्र तां ही पवित्र होणगे। गुरदेव पातशाह जी की बाणी दे आपा वचन पढ़ते हाँ। साहब जी कहिंदे लोइन लोई डिठ प्यास ना बुझै मूह घणी, नानक से अखड़ियां बयान जिन्नी डिसंदो मां पिरी। क्योंकि ये नेत्रो मेरियो हर तुम मैं जो धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई, नदरी हर निहाले। क्योंकि एक एक कर्म इंद्रा ते ज्ञान इंद्रा जो परमात्मा ने सानू बख्शिश कीता है, असी उन्हां दे जरिए उस अकाल पुरख वाहगुरु की सिफ तो सलाह दे नाल जुड़ सकते। गुरदेव पातशाह जी कहिंदे अंतर गुरे आराधना जेहवा जप गुर नाओ। असी रसना दे नाल उस अकाल पुरख वाहगुरु की सिफ तो सलाह दे नाल जुड़ना है। उस अकाल पुरख वाहगुरु की वडियाई अते कीर्ति करनी है, ते इन्हां नेत्रां दे नाल उस दे दिदारे करने ने। गुरदेव पातशाह जी कहिंदे जिहड़े जिग्यासु जीव इन्हां अखां दे नाल, इन्हां साध संगत कन्नां दे नाल, इस रसना दे नाल उस अकाल पुरख वाहगुरु दी सिफ तो सलाह दे नाल जुड़दे ने, उस दे उपर सतगुर की कृपा जिहड़ी है उस उत्ते सिद्ध हुंदी है। सब जी कहिंदे अंतर गुरे आराधना जीवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना सरवनी सुना गुर नाओ, सतगुर सेती रतिया। कहन लगे जदों इस तरह असी उस अकाल पुरख वाहगुरु की सिफ तो सलाह दे नाल जुड़ांगे, गुरु की प्यारी साध संगत चेते रखना, अंदर प्रेम का रंग लगेगा। वो प्रेम केड़ा है जिन्हों साहबां ने बाणी विच कहा है, जाको हर रंग लागो इस युग में सो कई अत है सूरा, आत्म जिन्हें सगल वस ताकै जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइए आत्म रंग शरणी पावन नाम त्यावन सह समावन संग। जिन्हों गुरु बाबे की बाणी कहती है कि लाल रंग तिसको लगा जिस केवट भागा, मैला कदे ना हो गई न लागे दागा। गुरु बाबे की बाणी कहती है कि सिखा तू गुरु शब्द दे नाल जुड़, क्योंकि माया दा रंग जेड़ा है ये ते थोड़े चिर विच ही उतर जाना है। क्योंकि रब्बी बाणी दे आपा बचन पढ़ते हाँ, साहब जी कहिंदे माया दा रंग जेड़ा है ये थोड़े समय वास्ते है, पर परमात्मा दे नाम दा रंग जेड़ा है वह सदीव ही है। जिन्हों साहबां ने कहा मैला कदे ना होवई न लागे दागा, इन्हें ना मैला होना है ते ना इन्हू किसी प्रकार का कोई दाग लगना, सगो जिंदगी दे तमाम साध संगत अवगणा दे दाग जेड़े ने उस परमात्मा दे नाम ने सिमरन भजन बंदगी ने साडे धोने ने। इस करके गुरदेव पातशाह जी कहिंदे उस अकाल पुरख वाहगुरु की सिफ तो सलाह दे विच जुड़, क्योंकि जेड़े उस अकाल पुरख वाहगुरु की सिफ तो सलाह विच जुड़ जाते हैं उन्हां ते सतगुरु की बड़ी बख्शिश होंदी। गुरदेव पातशाह जी ने बाणी विच जो वचन कहे, साहब जी कहिंदे मैं मूर्ख की केतक बात है कोट परा दी तरिया रे, गुर नानक जिन सुनिया पेखिया
से फिर गर्भास न भरिया। जिन्हां ने इन्हां अखां दे नाल धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं देख लिया है, गुरु की प्यारी साध संगत सुन लिया है, साहब जी कहिंदे उह परत के फिर टेढ़ियां मेढ़ियां जोनां विच नहीं पैंदे। क्योंकि संसार दे अंदर पीर पैगंबर आउंदे ने, रहबर आउंदे ने, दरवेश आउंदे ने, अवतारी पुरश आउंदे ने, आ के चले जांदे ने, पर धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी इस संसार ते आए जरूर ने, पर चेते रखना परत के गए ने। क्योंकि अज भी उन्हां दी जोत आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे विच विराजमान। क्योंकि जदों साहब जी ने संसार ते साध संगत विचर के मनुखता का भला किया, उदों भी जिन्हां ने गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी के दर्शन किए, उन्हां नूं आत्मक आनंद आत्मक खुशी जिहड़ी है वह साहबां दे दर्शन दिदारे करके मिली। क्योंकि जदों आपां गुरु इतिहास पढ़ते हैं, जदों धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी बगदाद की धरती ते जांदे, सतगुरु की साध संगत उत्थे सच का हुक्का देंदे ने, जिस पत्थर ते धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी बैठे सन ना, वह सिल अज भी मौजूद है। तो उत्थे पीर बहलोल ने जदों धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी के दर्शन किए, गुरु की प्यारी साध संगत वो अंतर आत्मे इन्ना कु जुड़ जाता है। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दर्शन दे के आ गए, उस तो बाद भी वह 60 साल जिंदा रहिंदा है। वह सिल दे कोल ही बैठ के उसने साध संगत अपना जीवन जिहड़ा वह बतीत किया। किसे पुछया कि ऐ पीर, कह लगे इस सिल दे कोलों तैनू की मिलया है? उसने बड़ा प्यारा बचन कहा सी, कहन लगे जो धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी बरकतां अते नियामतां मेरी झोली विच पा के गए ने, वह बयान नहीं कीतियां जा सकदी, मैं उसनू माण रहा वां। कहन लगे असल विच मैं जानन दी कोशिश नहीं करांगा, धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने जो मेरी झोली विच पाया, जो मेरे ते नदरे अनायत कीती है, कहन लगे ओ मैं बयान नहीं कर सकता। क्योंकि बाबा कबीर जी कहंदे ना, कहन लगे खाली भांडा होवे वो बोलदा भी है, वो डोलदा भी है, पर जदों भांडा भर जांदा है वो गुरु की प्यारी साध संगत ना बोलदा वो ना डोलदा। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने साध संगत पीर बहलोल ते जो कृपा कीती, एक दिन नहीं तुसीं देख लो, जदों पीर बुढ़न शाह नूं धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दीदारे देंदे, गुरु की प्यारी साध संगत दर्शन करके इन्ना कु ज़्यादा अंदरों सुकून महसूस करता है, धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दुध का छन्ना भेंट करता है, तो बचन कहिंदा है कि ऐ धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह मेरी आतोच जी भेटा जिहड़ी है प्रवान करो। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे, कहन लगे दुध तां पवित्र है पर तेरा हिरदा जिहड़ा इन्ना पवित्र नहीं होया, इहदे विच अहली छल ते वल ने। कहन लगे दुध तू देण वास्ते तैयार है पर तेरी भावना जिहड़ी है वो अहाली नहीं बनी प्रेम वाली। कहन लगा मैनूं ते लम्मा समा हो गया बंदगी करदिआं। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे, समा ते भावां के बहुता चिर हो गया है पर साई जी अंदर वो रंग नहीं लगा जिहड़ा लगना चाहिए सी। कहन लगे फिर सतगुरु कृपा करके वह रंग ला दिओ। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने सिर ते हाथ रखिया, ते हाथ रख के साहबां ने कहा पीर जी हुण जपो। कहन लगे जदों उसने अंतर आत्मे साध संगत नेत्र बंद करके उस अकाल पुरख वाहगुरु की कीर्ति गाई, उहनू इन्ना कु रस आया, इन्ना कु रस आया जिन्हों रब्बी बाणी कहिंदी राम रस पिया रे जे रस विसर गए रस और, जिन्हों गुरुदेव पातशाह बाणी विच बाबा फरीद जी की रसना ते निवास करके कहिंदे ने, फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माख्यो मांझा दुध सभे वस्तु मिठियां रब ना पूजन तुद। गुरु की प्यारी साध संगत पीर बुढ़न शाह दियां, गुरु की प्यारी साध संगत समाधियां लग जांदियां ने। तन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं कहिंदा है, दाता जिहड़ा अज रस आया इन्हां पहलां कदी नहीं आया। चेते रखना माया का शुरुआती दौर बड़ा ही मिठा है, माया दे विच्चों साध संग रस जिहड़ा है वह प्रारंभ विच बहुत ही ज़्यादा आउंदा है,
पर चेते रखना माया दा शुरुआती दौर मिठा है पर अंत बड़ा ही फीका है। इस करके साहबां ने बार बार सानू गुरबाणी वे सुजित भी कीता है, बाबा माया साथ ना होए इन माया जग मोया बिरला बूझे कोए। गुरदेव पातशाह बाणी विच सानू बार बार समझांदे ने, रात कारण धन संचिया भलके चलन होए, नानक नाल ना चलई फिर पछतावा होए। माया दा शुरुआती दौर बड़ा मिठा है पर अंत फिका है, पर चेते रखना भजन बंदगी दा ना बाणी दे अभ्यास दा। साध संगत शुरुआती दौर जिहड़ा है वह भावां के फिका है पर अंत बड़ा रसदायक है। तन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने कहा, कह लगे पीर जी जपण ते जी करदा है? कह लगे हां सतगुरु मेरा जी करदा, मैं लम्मा समा कह लगे इस राम दे नाम दे रस नू कह लगे पीवा। तन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने कहा, चल फिर हुण छेवें जामे विच आ के ना। कह लगे नाले तेरे कोल यह दुध दा छन्ना लवांगे। ते कह लगे फिर तेनू अपने हथी कह लगे ये संसार तो भेजांगे। गुरु की प्यारी साध संगत वक्त अपनी रफ्तार तुरदा है। जदों धन धन श्री गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने अपने वड्डे साहिबजादे बाबा गुरदित्ता जी नू साध संगत उस इलाके विच नगर वसाण वास्ते भेजिया, ते साध संग साहिबां ने बचन कह सन के धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने एक बंदगी दा एहो जिहा बूटा लाया सी। कहन लगे उस नूं फुल ते फल जिहड़े ने उह लगे ने ते वेख जाके पक्या के नहीं। गुरु की प्यारी साध संगत कहण तो भाव सी कि उहनूं पुछो कि नाम जप के रज गया के नहीं। साध संग जदों बाबा गुरदित्ता जी जांदे ना, इतिहास कहिंदा है कि बाबा गुरदित्ता जी दा सरूप इन बिन धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे सरूप वर्गा सी। कहिंदे जदों उसने जाके देखिया ते आवाज़ मारी, साईं जी कहन लगे नाम जप के रज गए हो? कहन लगे पीर बुढ़न शाह दियां जदों अखां खुलियां ना बाबा गुरदित्ता जी दे सरूप नूं वेख के कहन लगे आ गए हो? तन तन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दे सरूप दी झलक पई। बाबा जी कहन लगे नहीं जी उन्हां आप नहीं आए, उन्हां दे भेजे होए आए हां। तन गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने भेजे है। इतिहास कहिंदा है कि उस समय ना बाबा जी ने पूछा सी कि तन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने, कहन लगे आप जिया नू कहन लगे नाम सिमरन भंजन बंदगी वास्ते बिठाया ते जप के कहन लगे रस आया। कहन लगे रस ते बड़ा आया, बड़ा आया। कहन लगे हुण कहन लगे रज गए हो? कहन लगे रजिया दिली मेरा जी करदा हाली होर जपां। भाई वीर सिंह जी साध संगत कहिंदे भी उस समय धन गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह ने कहा सी कि कोई गल नहीं जेकर तेरा जी होर करदा ना जपण वास्ते ते कहन लगे तुसी होर जपो। बहुते विद्वाना ने इन्हां दी जिंदगी दा सफर गुरु की प्यारी साध संगत धन गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे समय तक लिखना कीता है। ते बहुते विद्वाना दे विचों भाई वीर सिंह जी कहिंदे कि नहीं धन गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह दे समय तक ये पीर बुढ़न शाह गुरु की प्यारी साध संगत नाम जपदा है। ते एहो जिहा रंग लगा कि दरबार विच बैठे धन गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी उठे ने, सिख पुछन लगे सतगुरु काली काली किधर? कहन लगे धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने बंदगी दा कहन लगे एक एहो जिहा फल जिहड़ा तैयार किया पक गया है, पक्के हुए फल नूं कहन लगे परमात्मा दे घर दे विच गलना। गुरु की प्यारी साध संगत साहबां ने आके पुछिया साईं जी कहन लगे रज गए हो? कहन लगे सतगुरु रजिया ते हाली भी नहीं, पर कहन लगे हुण कृपा करो इस विषय वकारी दुनिया दे विचों कहन लगे उस निज घर दे विच वासा करा दवो कि परत के इस संसार दे विच ना आउणा पवे। ते गुरु बाबे दी बाणी कहिंदी जिहड़े सिमरन भजन बंदगी दे नाल जुड़दे ने उन्हां दा साध संगत इस संसार ते आउणा भी धन है, उन्हां दा रहना भी धन है, उन्हां दा संसार तो जाणा भी धन है। जिहनूं धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहिंदे धन 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 जन आया जिस प्रसाद सब
जगत राया जन आमन का यह सुभाव जन कै संग जित आवै नाउ आप मुक्त मुक्त करै संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार। उन्होंने सदा ही नमस्कार होंदिया ने जिहड़े साध संगत उस अकाल पुरख वाहगुरु की सिफत सलाह के नाल जुड़ते हैं जिन्होंने साहबां ने बाणी में कहा है हर मन तन वसिया सोई जय जय कार करे सब कोई सच्चे मार्ग चलदिया उस्तत करे जहां सोई सन मनुखा जन्म जो मिलिया साध संगत उस अकाल पुरख वाहगुरु नूं मिलन दी वारी है। सो आपां उस अकाल पुरख वाहगुरु दे शुकर विच उस दे शुकराने विच साध संगत जिंदगी जिहड़ी है वह बतीत करनी है। साहबां ने सानू अमृत भरपूर बोल जिहड़े ने एक ओंकार तो लैके 18-10-20 तक बख्शिश किए ने सो गुरबाणी की लो वि चानण में चलण का यतन करिए फिर होवेगा लोक सुखिया ते परलोक सुहेला। इतनिया को बेनतियां प्रवान भुल चुक तो माफ़ी बख्शिश करनी जी आप सब संगतान का कोटान कोट धनवाद है। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का कोटान कोट धनवाद है जिन्होंने आप संगतान के दर्शन दारे जिहड़े ने वो बख्शिश किए हैं। विचारा करदियां बेअंत बेअंत भुलां तो माफ़ी बख्शिश करनी माण सन्मान वास्ते सारी संगत का तह दिल तो धनवाद जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।